हाय, तो देखिए आज हम बात करेंगे ट्रांसफर लर्निंग की, राइट। एंड हम देखिए बोल देते हैं शुरुआत में कि ट्रांसफर लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुली यूज की गई है इन केस ऑफ सीएनएन आर्किटेक्चर्स एटलीस्ट, राइट। तो सीएनएन आर्किटेक्चर्स एंड विजन जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ट्रांसफर लर्निंग बहुत ही सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट की गई है। आरएनएनस में भी इसका यूज किया गया है, लेकिन उतना सक्सेसफुली नहीं जितना कि सीएनएन में हुआ है। एंड नाउ देखिए, ट्रांसफर लर्निंग का मतलब क्या है? ट्रांसफर लर्निंग का मतलब ये है कि किसी और ने, लेट्स से किसी ने, मान लीजिए एलेक्सनेट जो पेपर के ऑथर्स थे, उन्होंने एलेक्सनेट को ट्रेन किया है 8 लेयर्स के लिए, ठीक है। अब उन्होंने जो यूज डेटा सेट लिया है वो लिया है इमेज नेट डेटा सेट। तो उसमें जितनी भी 1 मिलियन इमेजेस हैं, 1000 क्लासेस हैं, राइट, इस पे उन्होंने उसको ट्रेन कर रखा है। अब आपके पास 1 मिलियन इमेजेस हों, ये तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो अगर आपके पास 1 मिलियन इमेजेस नहीं है और मान लीजिए आपके पास जो है 1000 इमेजेस ही हैं, ओके, एंड आपके पास न तो कोई कंप्यूट पावर है, आपके पास सिंपल सा लैपटॉप है, तो आपके पास देखिए डेटा भी नहीं है, आपके पास कंप्यूट पावर भी नहीं है। तो अब अगर आप ये सोचें कि आप इस 1000 इमेजेस पे एलेक्सनेट को ट्रेन करेंगे, जो कि 8 लेयर न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें रफली, इफ आई रिमेम्बर इट राइट, 55 मिलियन पैरामीटर्स हैं, तो ये एक ओवरकिल है। ओवरकिल इन द सेंस कि ये जो नेटवर्क है, पहली बात तो इसको मच मोर देन 1000 इमेजेस चाहिए, एंड अगर आप चलाने भी लगेंगे तो इतना बड़ा हैवी नेटवर्क है वो मे बी आपके लैपटॉप के लिए कंप्यूटेशनली हैवी भी हो सकता है, विच इज ओके, क्योंकि लैपटॉप इसीलिए बनते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज 1000 इमेजेस बहुत कम है। तो आपके पास अगर डेटा नहीं है या फिर डेटा कम है इस टाइप का, और आपके पास जो है कंप्यूट पावर भी नहीं है, तो फिर आप क्या करें? या तो आप ये ऑप्शन हो कि भैया आप ना ही करें कुछ। तो देखिए इस ना करने को लेके, राइट, तो इफ यू हैव लेस डेटा एंड आपके पास दो ऑप्शन है, डू नॉट यूज डीप लर्निंग और यूज ट्रांसफर लर्निंग। देखिए, तो इसके लिए हम कहेंगे कि ट्रांसफर लर्निंग इज एन इनेबलिंग मैकेनिज्म। यानी कि भाई आपके पास दो ऑप्शन थे कि या तो आप डीप लर्निंग जो है यूज ही मत कीजिए, क्योंकि ना तो आपके पास इतनी कंप्यूट पावर है ना आपके पास इतना डेटा है, तो मत कीजिए। लेकिन ट्रांसफर लर्निंग कम्स टू सेव अस एंड सेज कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कंप्यूट पावर नहीं है, तो ये नहीं कि आप कंप्लीटली हेल्पलेस हो गए हैं, आप कुछ तो कर सकते हैं, राइट। तो ट्रांसफर लर्निंग आई सी इट मोर एज एन इनेबलिंग मैकेनिज्म रादर देन एनीथिंग एल्स। इनेबलिंग मैकेनिज्म का मतलब यह है कि ये आपको जो है कोई ऐसी चीज जो आप ये कहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको बोलता है कि नहीं आप कर सकते हो। हम अब मान लीजिए बात करते हैं, मान लीजिए बात करते हैं कि एलेक्सनेट की बात हो रही है, राइट। अब मान लीजिए आपने इनपुट दिया और फाइनली यहां पे weight 1 मैट्रिक्स बनी, यहां पे weights एंड सो ऑन, एंड मान लीजिए यहां पे फाइनली आपने सॉफ्टमैक्स कर दिया, तो यहां पे आपके W7 भी बनी। अब देखिए ये नेटवर्क मान लीजिए एलेक्सनेट है, मान लीजिए, राइट। तो अब इन ऑथर्स ने ऑलरेडी इतने बड़े डेटा सेट पे इसको ट्रेन कर रखा है, ऑलरेडी इसमें इतनी कंप्यूट पावर लगा रखी है W1 को कंप्यूट करने के लिए, W2 एंड सो ऑन को कंप्यूट करने के लिए, ऑल द वे अंटिल W7। तो अब ट्रांसफर लर्निंग ये कहती है कि अगेन, अगर आपके पास डेटा नहीं है और आपके पास कंप्यूट पावर नहीं है, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है,
आप अभी भी डीप लर्निंग यूज कर सकते हैं। आप ये पूरे आर्किटेक्चर को ऐसा का ऐसा ही रहने दीजिए, राइट। तो देखिए ट्रांसफर लर्निंग का मतलब सिर्फ इतना सा ही नहीं है कि वेट से ट्रांसफर होंगे। हम देखिए पूरी बात कर लेते हैं। देखिए ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है ना। आप ट्रांसफर कर सकते हैं जस्ट आर्किटेक्चर, राइट। यानी कि आपने ये कहा कि भाई मेरे को तो वेट्स तो मैं अपने ही ट्रेन करूंगा या करूंगी, लेकिन आर्किटेक्चर में को एलेक्सनेट वाले लिखना है। एलेक्सनेट वाले रिसर्चर्स ने काफी मेहनत की उस आर्किटेक्चर के साथ आने में, तो मेरे को इनपुट साइज और बाकी सब लेयर्स में बाकी सब जो भी मैकेनिज्म है मेरे को सेम रखना है, मेरे को बस अपने वेट्स ट्रेन करने। एक काम आप ये कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप आर्किटेक्चर प्लस वेट्स सेम रख लें, राइट। क्या आपने आर्किटेक्चर भी वही यूज करना है, आपने वेट भी वही यूज करना है। तो हम इस वाले पार्ट की यहां पे अभी बात कर रहे हैं, राइट। कि एलेक्सनेट ऑथर्स ने ऑलरेडी इतना अच्छा एक मॉडल ट्रेन कर रखा है, तो अब हमने क्या किया, हम उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बस 1000 इमेजेस हैं। तो देखिए ये जो पिछली स्लाइड में हमने जो नेटवर्क बनाया था जिसमें ये वेट्स W हुआ, जिसमें ये वेट्स थे, तो देखिए लास्ट स्लाइड पे हमने जो नेटवर्क बनाया था वो देखिए क्या कंप्यूट कर रहा है इन द एंड। देखिए अगर हम इन सब को फिक्स कर देते हैं, राइट, यहां तक अगर हम इन सब को फिक्स कर देते हैं, और देखिए इनको फिक्स करने की जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क्स लाइक टेंसर फ्लो, पाइटॉर्च, इन सब में तरीका है, राइट। आप ट्रांसफर लर्निंग जो है इन सब पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है, आप बस फिक्स कर सकते हैं बाय सेटिंग थिंग्स लाइक कि ट्रेनिंग ट्रेनेबल पैरामीटर्स 0, 1 और उस तरीके से, राइट। लेकिन इंप्लीमेंटेशन पार्ट में हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो देखिए अगर आपने ये फिक्स कर रखी है तो ये एग्जैक्टली क्या कंप्यूट करता है, ये देखिए W1 x प्लस b1 तो ये तो लीनियर पार्ट हो गया। अब आप इसका इस केस में आप रेलू ले लेंगे तो देखिए आपका ये जो नेटवर्क है ये बस ये वाला फंक्शन कंप्यूट कर रहा है हर बार, क्योंकि W1 से लेके W6 तक आपने फिक्स कर दिया है, B1 से लेके B6 तक आपने फिक्स कर दिया है। तो द ओनली थिंग जो इसमें फिक्स नहीं है वो है आपका इनपुट X, राइट। तो बाकी ये फंक्शन पूरा, तो अब ये जो f(x) है ये पूरा जो फंक्शन है, राइट, तो इसमें आप इनपुट दोगे और आपके पास एक आउटपुट आएगा, y नहीं बोलेंगे उसको, मान लीजिए आउटपुट आएगा O, राइट। तो वो यहां पे आएगा, देखिए, राइट, ये वाली लेयर जो आपकी आ रही है वो हमेशा ऐसी आएगी कि फिक्स्ड फंक्शन में आपने एक x दिया और उसने आपको यहां पे आउटपुट दिया, क्योंकि ये सब तो आपने फ्रीज कर रखा है, इसको ट्रेन तो कर नहीं रहे हो, आप आर्किटेक्चर ने भी आपने चेंज नहीं किया कोई। तो यहां पे आप ये जो सॉफ्टमैक्स है, मान लीजिए आपका जो 1000 जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए 1000 डेटा का इमेजेस कुछ ऐसा है कि आपके एक पेट है कैट और दूसरी है डॉग, और कर लीजिए कि नीदर, ओके। तो अब मान लीजिए यहां पे सॉफ्टमैक्स में आपने 3 क्लासेस लगा दी। भाई ओरिजिनल एलेक्सनेट में तो यहां पे 1000 क्लासेस थी, तो आपने क्या किया, आपने बस यहां तक जो सॉफ्टमैक्स लेयर थी उसके पहले तक सब कुछ फिक्स कर दिया है, आप कुछ भी ट्रेन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो पार्ट है, राइट, ये अब आपके जो है, देखिए बजाय ये वाली लेयर 1000वें सॉफ्टमैक्स से कनेक्ट होने के, फुली कनेक्ट होने के, अब ये सिर्फ 3 के साथ कनेक्ट हो रही है।
तो ये वाला पार्ट जो है आप लर्न करेंगे, ये वाले वेट्स आप लर्न करेंगे। तो बजाय ये इतना हैवी नेटवर्क लर्न करने के, अब आप बस इतना सा लर्न करेंगे तो आप बस इतने से पीस को ट्रेन करेंगे। छेड़ा नहीं है आपने, आर्किटेक्चर को भी छेड़ा नहीं है आपने, बस इस लेयर को ट्रेन कर रहे हो। और ये तो देखिए सिंपल सा लैपटॉप भी आपका कर देगा, आपको कोई हाई कंप्यूट पावर इसके लिए नहीं चाहिए। हमने तो देखिए हम इस स्पेक्ट्रम की भी बात कर रहे हैं, ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें आपके पास है वेरी लेस डेटा, वेरी लेस डेटा एंड वेरी लेस कंप्यूट पावर। दूसरा एक्सट्रीम जो है इसमें एक्सट्रीम है कि आपके पास है आप हाई अमाउंट ऑफ डेटा एंड हाई कंप्यूट पावर। यानी कि आप कोई या तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या फिर आप गूगल में काम करते हैं, तो आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ जीपीयूज की कोई कमी नहीं है, आप जितनी इच्छा हो उतने ज्यादा जीपीयूज यूज कर सकते हैं। तो उस केस की हम बात कर रहे हैं। हाई अमाउंट ऑफ डेटा, मान लीजिए आपके पास कुछ 10 मिलियन इमेजेस हैं जो कि इमेज नेट से भी 10 गुना ज्यादा है। तो ये दो स्पेक्ट्रम्स है, एक नॉर्मल इंसान जिसके पास कम डेटा है उसके पास कंप्यूट पावर है, एक लैपटॉप ही है, और दूसरा जिसके पास बहुत सारा डेटा है और बहुत सारी कंप्यूट पावर है। तो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। तो देखिए इस एक्सट्रीम की बात हम अब तक कर चुके हैं, ये जो ऑल वेट्स वाली जो बात हमने की है इस स्लाइड्स के हेड में, वो हम इस एक्सट्रीम की बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बीच में चलते हैं, यानी कि आपके पास डेटा जो है इतना कम भी नहीं है लेकिन आपके पास इतना ज्यादा भी नहीं है, बीच में कहीं पे है। तो आपके पास कंप्यूट पावर भी थोड़ी ठीक ठाक है, आपके कॉलेज ने आपको एक डिसेंट सा जीपीयू दे रखा है, तो आपके पास डिसेंट हार्डवेयर है, आपके पास रिलेटिवली हाई अमाउंट ऑफ डेटा है, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है, इतना नहीं है लेकिन आपके पास ठीक ठाक है। मान लीजिए आपके पास 100,000 इमेजेस हैं, आपके पास 50,000 इमेजेस हैं, ठीक है, एंड आपके पास कॉलेज ने एक जीपीयू भी दे रखा है, वो अच्छा खासा काम करता है। तो अब देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए इमेज तो इमेज ही रहेगी ना, इन द सेंस कि भाई उसमें जो विजुअल इफेक्ट्स हैं, भाई विजुअल इफेक्ट्स कैसे बनते हैं, आप इमेज को कैसे देते हैं इनपुट, आप देते हैं पिक्सल बाय पिक्सल, राइट, एंड आप फाइनली उससे एक इमेज को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें कुत्ता है बिल्ली है, राइट। तो आप देखिए इससे ज्यादा आप किसी इमेज को तोड़ नहीं सकते हैं, आपने पिक्सल लेवल पे तोड़ दिया है, इससे ज्यादा तो आप तोड़ ही नहीं सकते, एक पिक्सल तो भी एक यूनिट क्वांटिटी है, आप उससे ज्यादा उसको नहीं तोड़ सकते। यहां पे देखिए आपके पास कंप्लीट पिक्चर है, राइट। तो यहां से यहां तक का जो ट्रांजिशन है वो आपने इन लेयर्स के थ्रू कवर किया है। तो अब देखिए इसका आइडिया अब ये है कि नेक्स्ट, देखिए पिक्सल सब इमेजेस का पार्ट होंगी, आप नेक्स्ट लेयर में जाते हैं तो आपको मिलते हैं एजेस। हम बात कर चुके हैं कि कैसे न्यूरल नेटवर्क जो है हॉरिजॉन्टल एजेस लर्न करता है, वर्टिकल एजेस लर्न करता है, एजेस एट अ डिफरेंट एंगल लर्न करता है। तो देखिए इमेजेस किससे बनी होती है, प्राइमरीली इमेजेस बनी होती है पिक्सल से, पिक्सल्स कंबाइन करके आपको एजेस देते हैं या फिर ब्लॉब्स देते हैं, राइट। ब्लॉब्स यानी कि मान लीजिए एक धब्बा सा है पूरा ग्रीन कलर का ब्लू कलर का, राइट। तो या फिर मान लीजिए अब एजेस मिलके आपको क्या देती हैं, एजेस मिलके आपको कॉन्टूर्स बनाती हैं, राइट। तो कि भाई आपके शेप्स बनने लगेंगी थोड़ी थोड़ी, कि भाई आपके शेप्स बनने लगेंगी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो एजेस मिलके आपको ये देंगी और फिर ये जो कॉन्टूर्स हैं ये आपको शेप्स थोड़ी थोड़ी बनाने लगेंगी, राइट। तो आइडिया देखिए ये है कि आप इमेज कोई सी भी हो, उसमें कुत्ता हो बिल्ली हो गाय हो कार हो बस हो कुछ भी हो, लेकिन उसमें पिक्सल तो होंगे, उसमें एजेस भी होंगे,
उसमें कंटूर्स भी होंगे। तो यानी कि जो शुरुआत की जो चीजें लर्न करेगा कोई भी न्यूरल नेटवर्क हो किसी भी इमेज की, वो लगभग सिमिलर सी चीजें ही लर्न करेगा, उनमें कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। अब मान लीजिए एक डेटा सेट आपके है जिसमें आपके पास 1000 क्लासेस ऑफ एनिमल्स है, तब भी शुरुआत में तो सेम चीजें ही लर्न करेगा। हाँ, बाद में जाके वो स्पेसिफिक टू एनिमल्स हो जाएगा। मान लीजिए दूसरी आपके डेटा सेट है जिसमें आपके सारी सिर्फ गाड़ियों की पिक्चर्स हैं, राइट, 1 लाख या 10 लाख, तो अब उस केस में जो लेटर लेयर्स हैं वो हो सकता है स्पेसिफिक टू गाड़ियों हो जाए, लाइक कार्स एंड ट्रक्स ऑल दिस। लेकिन एक डिसेंट लेयर तक तो भाई आप अभी भी पिक्सल में रहोगे, एजेस में रहोगे, कंटूर्स में रहोगे, सिंपल शेप्स में रहोगे लाइक ट्राइंगल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो आइडिया देखिए ये है कि आप विजन में आप ये ऑलमोस्ट हमेशा ही कर सकते हैं कि शुरुआत की जो लेयर्स हैं उनको आप फिक्स कर दें, उनको तो आप ट्रांसफर लर्निंग के थ्रू लर्न कर लें। कहता कि एलेक्सनेट आप पूरा फिक्स कर दीजिए, बस आप सॉफ्टमैक्स पे यहाँ पे अपने फंक्शन लर्न कर लीजिए। अब हम ये बोल रहे हैं कि आप जो है पूरा फिक्स मत कीजिए, आप बस यहां तक फिक्स कीजिए, नहीं, क्योंकि इस आर्गुमेंट की वजह से। तो आप मीन अब मान लीजिए जब आप यहां तक ही फिक्स करते हैं तो आपने W1 फिक्स कर दिया, W2 आपने फिक्स कर दिया, W3 आपने फिक्स कर दिया, लेकिन W4 जो है W4 आप लर्न करेंगे, W5 आप लर्न करेंगे, W6 आप लर्न करेंगे और W7 आप लर्न करेंगे। और ये डिसीजन हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने कहा कि हमारे पास नंबर ऑफ इमेजेस भी ठीक ठाक है, हमारे पास कंप्यूट पावर भी ठीक ठाक है, तो सब कुछ तो मे बी ट्रेन नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इतना भी नहीं है कि हम सब कुछ स्क्रैच से ट्रेन करने लगे बाय इनिशियलाइजिंग दीज थिंग्स रैंडमली, राइट, इतना भी कंप्यूट पावर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। पर्टिकुलर वेट्स को फिक्स कर देंगे एंड देन आप यहां से जो है ट्रेन करना शुरू कर देंगे। तो टेंसरफ्लो हो, पाइटॉर्च हो, आप उसमें ये कर सकते हो कि जो आपने आर्किटेक्चर, नॉट जस्ट आपने आर्किटेक्चर या कोड डाउनलोड किया है बट आपने वेट्स भी डाउनलोड कर लिए हैं और आप इनको फिक्स कर रहे हैं, राइट। तो देखिए अब आप जो फंक्शन फिक्स कर रहे हैं वो है, तो अब देखिए बेसिकली आप जो फंक्शन फिक्स कर रहे हैं वो ये है, आप इसको इनपुट देंगे x, वो आपको यहां की वैल्यूज देगा एंड देन आगे से अब आप जो है वापस इसको ट्रेन करने लग जाएंगे, राइट। तो इस स्पेक्ट्रम में देखिए हमने इस पार्ट को कवर कर लिया है, इस पार्ट को कवर कर लिया है, अब फाइनल बचता है। फाइनल में ज्यादा कुछ है नहीं बात करने को। तो ट्रांसफर लर्निंग देखिए उस केस में जरूरत नहीं है जब आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपके पास बहुत कंप्यूट है, राइट, यानी कि आपके पास जीपीयूज की कमी नहीं है, आपके पास रैम की कमी नहीं है, आपके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ डेटा है, लाइक आपके पास 10 लाख इमेज, सॉरी आपके पास लाइक 10 मिलियन, यानी कि आपके पास 1 करोड़ इमेजेस हैं, तो आपके पास बहुत डेटा है, बहुत कंप्यूट पावर है। आप क्या कर सकते हो, आप बजाय ट्रांसफर लर्निंग करने के आप इनको स्क्रैच से ट्रेन कर सकते हो। तो अगर हम ये बोलते हैं कि आप अभी जो है एलेक्सनेट पे ही आप इसको ट्रेन करोगे, राइट, तो उस केस में देखिए ट्रांसफर लर्निंग बस इसी बात तक सीमित रह गई है कि आपने आर्किटेक्चर खुद का नहीं लिया है, आपने आर्किटेक्चर किसी और का लिया हुआ है, तो ट्रांसफर लर्निंग बस इसी बात तक सीमित रह गई कि आपका आर्किटेक्चर खुद का नहीं है, वेट्स सारे आपके खुद के होंगे, आप इनको रैंडमली इनिशियलाइज कर सकते हैं। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैसे इनिशियलाइज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स को हमारे अर्लियर वीडियोज में, तो अब इस केस में देखिए आपको ट्रांसफर लर्निंग की कोई जरूरत है नहीं, तो आप बेसिकली सब कुछ ही स्क्रैच से लर्न कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो आप अपना खुद का आर्किटेक्चर डिजाइन कर सकते हैं, हमने देखा भी है पहले 3-4 आर्किटेक्चर्स को, और भी बहुत सारे हैं, कोई कमी नहीं है ऐसे आर्किटेक्चर्स की जिसमें लोगों ने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से टेस्ट एक्यूरेसी एंड ट्रेनिंग एक्यूरेसी को इंक्रीज किया है और फिटिंग को कम किया है। तो ये सब चीजें अगर आपके पास हैं तो आपको एस सच ट्रांसफर लर्निंग की कोई जरूरत नहीं है।
तो देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए अच्छे होते हैं, आपके करियर एडवांसमेंट के लिए अच्छे होते हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।